आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कैसे अपने विंडोज़ 10 में या विंडोज़ 8 में या 8.1 में अपने टाइमिंग को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं मेरा टाइमिंग स्टाइल जो है वो मेरा एकदम इंडियन की तरह, यहाँ पे 19 पहले डेट दिखा रहा, फिर मंथ दिखा रहा, फिर ईयर दिखा रहा, और यहाँ पे टाइम काफ़ी सिंपल अच्छे से दिख रहा है। पर आपको हो सकता है पहले मंथ दिख रहा होगा, फिर डेट दिख रहा होगा, फिर ईयर दिख रहा होगा, तो अगर आप जल्दी में देखना चाहो तो आप थोड़े कन्फ्यूज भी हो सकते हो। अगर आप कन्फ्यूज़ नहीं होते तो आपको चेंज करना ही नहीं। जनरली हर कोई इंसान चाहता है कि हम जिस कंट्री में रहते हैं उसी तरह का टाइम दिखाए ताकि हमको दिखने में कोई दिक्कत नहीं हो। तो यहाँ पे इसको मैं क्लिक कर दिखा देता हूँ, और यहाँ पे मैंने कुछ स्टाइल चेंज कर रखे हैं। जैसे देख सकते हैं यहाँ पे मेरे सेकेंड दिखा रहे हैं, और यहाँ पे मेरे सैटरडे 19 सितंबर 2020। तो मुझे यहाँ पे इस बड़े से लिस्ट में ढूंढना नहीं पड़ रहा है कि आज कौन सा दिन है, सैटरडे है संडे। तो यहाँ पे मैं हमको डायरेक्टली यहीं पे दिख जाता है सैटरडे है आज 19 सितंबर 2020 है, और यहाँ पे मंथ भी दिखा रहा है। तो यहाँ पे आपको मंथ दिखना नहीं पड़ेगा। तो देख सकते हैं ये सारे फीचर्स आप कैसे चेंज कर सकते हैं इसको, स्टाइल्स को। जनरली ये बहुत सिंपल सी चीज़ है पर बहुत लोगों को नहीं भी पता होती है। अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, पर जिन लोगों को नहीं पता है उसको मैं आज की वीडियो में बता देता हूँ कि आप कैसे इस स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। के लिए आपको जो टाइम वाला है वहाँ पे आपको राइट क्लिक करना होगा। यहाँ पे देख सकते हैं मेरे टास्क बार में जहाँ पे टाइम है वहीं पे आपको चले जाना है, और आपको राइट क्लिक करना है। और राइट क्लिक करोगे जैसे तो आपको ये कुछ ऑप्शंस मिलेंगे। यहाँ पे आपको जाना है एडजस्ट डेट एंड टाइम पे। देख सकते हैं आपको ये एडजस्ट डेट एंड टाइम का ऑप्शन यहीं पर मिलेगा। अगर आप इधर साइड में क्लिक करते हो तो आपको एडजस्ट डेट एंड टाइम का ऑप्शन नहीं मिलेगा, तो आपको टाइम पे ही क्लिक करना है राइट क्लिक। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं मेरा टाइम आ चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं टाइम ऑटोमेटिकली सेट जून ऑटोमेटिकली। तो ये सारी चीज़ें आप चाहते हो चेंज करना तो आप चेंज कर सकते हो, नहीं चेंज करना चाहते हो तो नहीं चेंज कर सकते हो। पर यहाँ पे ऑप्शन मिलता है आपको डेट टाइम एंड रीजनल फॉर्मेटिंग, इसको आपको चेंज करना है। यहाँ पे जैसे आओगे तो आप मैंने देख सकते हो आप ये मैंने यहाँ पे कंट्री और रीजन में इंडिया सेलेक्ट कर रखा है, और बाय डिफ़ॉल्ट आपका यूनाइटेड स्टेट्स होता है या यूनाइटेड किंगडम होता है, तो आप उसको चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे इंडिया का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, और अगर मैं यहाँ पे दूसरा ऑप्शन चेंज करता हूँ तो मेरा हो सकता है स्टाइल थोड़ा बहुत चेंज होगा। तो यहाँ पे मैं रीजन सेलेक्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पे आपका जो फॉर्मेट होगा यहाँ पे देख सकते हैं करंट फॉर्मेट इंग्लिश इंडिया रख रखा है, यहाँ पे हो सकता है आपका फॉर्मेट चेंज होगा। तो यहाँ पे आपका हो सकता है इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट होगा या फिर इंग्लिश यूनाइटेड किंगडम हो सकता है, तो आप उसको चेंज करके इंग्लिश इंडिया रख लो। उसका जाओगे आप यहाँ पे चेंज डाटा फॉर्मेट पे, तो यहाँ पे आपको सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। यहाँ पे देख सकते हो कैलेंडर, तो कैलेंडर में आपको एक ही ऑप्शन मिलता है जॉर्जियन कैलेंडर का, तो यहाँ पे तो चेंज नहीं कर सकते। यहाँ पे मिलता है आपको फर्स्ट जॉब वीक, तो इंडिया में ऑब्वियसली हम लोग मंडे से दिन शुरू करते हैं, तो यहाँ पे मंडे का ऑप्शन आप सेलेक्ट रहने दो। पर अगर आप चाहते हो कोई दूसरे दिन सेलेक्ट करना, अगर आप चाहते हो फ्राइडे सेलेक्ट करना तो आप फ्राइडे सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे देखोगे आपका कैलेंडर चेंज हो चुका होगा, और यहाँ पे मेरा फ्राइडे से स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे मैं मंडे फिर से सेलेक्ट कर देता हूँ, तो इसको चेंज करने के लिए आप चेंज कर सकते हो। और यहाँ पे देख सकते हैं शॉर्ट डेट जो होगा वो आपका ये होगा, और लॉन्ग डेट जो होगा वो आपका जब मैं इसको क्लिक करूँगा तब दिखेगा। यहाँ पे जो दिख रहा है ये लॉन्ग डेट है, और यहाँ पे शॉर्ट डेट है, तो इसको भी आप चेंज कर सकते हो। मैं शॉर्ट डेट का अगर स्टाइल में चेंज कर देता हूँ इस तरह से, यहाँ पे देख सकते हैं नीचे में मेरा चेंज हो चुका है। आप जिस स्टाइल में रखना चाहते हो उस स्टाइल में रख सकते हो। यहाँ पे मैं चाहता हूँ इस तरह से रखना, तो इस तरह से भी मैं रख सकता हूँ। मुझे यही स्टैंडर्ड लगता है और यही सही लगता है, तो मैं सिंपली इसी को सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं ये काफ़ी सही लग रहा है। उसके बाद लॉन्ग डेट की बात कर लेते हैं, तो लॉन्ग डेट में आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं। यहाँ पे 5 अप्रैल 2017 देख सकते हैं, यहाँ पे इस तरह से लिखा है 5 अप्रैल 2017, और यहाँ पे वेडनेसडे 5 अप्रैल 2017। तो मैं उसको सिलेक्ट कर रखा हूँ। अगर आप चाहते हो स्मॉल वाला यूज़ करना इस तरह से, तो 5 अप्रैल 2017, तो मैं इसको क्लिक करूँगा। और यहाँ पे देखेंगे आपका 19 सितंबर 2020 दिख रहा है। तो फिर से मैं इसको वापस मेरा जैसा था वैसा सिलेक्ट कर लेता हूँ। और यहाँ पे शॉर्ट टाइम भी मिलता है और लॉन्ग टाइम भी मिलता है, तो ठीक है यहाँ पे शॉर्ट टाइम है, और इसको जब क्लिक करोगे तो ये लॉन्ग टाइम है। तो शॉर्ट टाइम में यहाँ पे दिखा देता हूँ ये कुछ 3 फॉर्मेट दिए गए हैं, तो आप जो वाला भी सिलेक्ट कर सकते हो इस तरह का चाहते हो। और यहाँ पे लॉन्ग टाइम में आप चाहते हो सेकेंड दिखना और AM PM नहीं दिखना, तो आप ये वाला सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला मैं सिलेक्ट कर लिया हूँ, तो मेरा AM हट चुका है। और यहाँ पे अगर ये वाला क्लिक कर लेता हूँ तो यहाँ पे डॉट डॉट करके दिखेगा, कॉलन नहीं दिखा, देख सकते हैं नोट करके दिख रहा है और कॉलम नहीं दिख रहा है। तो फिर से मैं वापस जैसा था मैं वैसे सेलेक्ट कर लेता हूँ, और ये मेरा स्टाइल इस तरह से आ चुका है। इस तरह से आप अपने फॉर्मेट को, टाइम के फॉर्मेट को चेंज कर सकते हो अपने लैपटॉप में।